बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मंथली रिव्यू के साथ हाजिर है। इस मंथ की क्लोजिंग अगेन एक बुलिश नोट पे हुई है, एक बुलिश कैंडल के साथ। इसमें देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 6.72% अच्छा खासा इंक्रीज है। 6.72% का इसमें इजाफा देखा है। अच्छा, जब ये मार्केट बढ़ रही थी और यहाँ इस तरफ रिजेक्शन आ रही थी 73,600, तो मैंने कहा था 6 to 7% या 10% भी आए तो एक करेक्शन ही कंसिडर किया जाएगा, इसमें कोई मंदी वाली बात नहीं है। तो जैसे मार्केट अभी इतने हाई लेवल पे परफॉर्म कर रही है और आरएसआई भी देखें इस वक्त तो मंथली पे 84 है और लास्ट मंथ में जो है 82 चल रहा, तो मैंने कहा ये ओवरबॉट जोन में इस वक्त एंटर हो चुकी है मार्केट। मंथली पे, वीकली पे, डेली पे भी अगर हम चलें, वीकली पे भी एक नजर डाल लेते हैं। वीकली पे भी अगर हम देखें तो ओवरबॉट जोन में ही है और डेली पे भी एक नजर डाल लें तो इससे 60 के ऊपर जा रही है, तो जाहिर सी बात है ओवरबॉट जोन में एंटर हो चुकी है मार्केट जो है। तो इसमें डेली में आप देखें करेक्शन हम देखते रहे, ठीक है, डे ऑन डे बेसिस पे, और वीकली पे भी हमने थोड़ी सी करेक्शन देखी है, ज्यादा नहीं थी यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा वीकली पे भी नजर डाल लेते क्योंकि ये मंथ एंड था अलॉन्ग विथ वीकेंड, तो दोनों है, मंथ एंड और वीकेंड दोनों था। तो थोड़ा सा वीकेंड पे भी नजर डालें। अब वीकेंड पे देखें अगेन, जैसे ये लास्ट वीक में एक डोजी फॉर्म हुआ था, फिर अगेन अब ये डोजी फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब अगेन मैं आपको फिर बता दूं, इसकी जो है कंफर्मेशन भी मिल सकती है, नेगेशन भी मिल सकती है। कंफर्मेशन इस तरह से होगी बुलिश की, क्या एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी तो अगेन मार्केट हम अपसाइड देख सकते हैं विद इंक्रीजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो इस मंथ की क्लोजिंग में 10,170 बिलियन हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा है कि इसमें सस्टेन किया हुआ है, अभी इस महीने तक इसने ये अचीव कर लिया टारगेट। तो जो 10,000 बिलियन का था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सस्टेन हुआ हुआ है और अगला नेक्स्ट बेंचमार्क जो है 10,500 बिलियन या 10.5 ट्रिलियन रुपीज का है। अच्छा, लास्ट मंथ में देखें हम तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,747 बिलियन का था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमने इंक्रीज देखा है 423 बिलियन रुपीस का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, ठीक है। वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा हमने इसमें करेक्शन देखी है, जिस तरह मार्केट में, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी तकरीबन 78 बिलियन डिक्रीज हुआ है। वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो यहाँ पे ये डोजी फॉर्म हुआ है और हमने यहाँ पे ये देखे, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा रेड हुआ, यहाँ पे हमने सेलिंग देखी है अपर साइड पे 76,000 का जो लेवल है यहाँ पे हमने सेलिंग देखी है विद रिजेक्शन और एक डोजी भी फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे देखें जिन्होंने लोअर साइड पे यहाँ पे बाय किया होगा 70,600 के लेवल पे, तो उन्होंने यहाँ पे आप अब यहाँ पे आके जो यहाँ से इन्होंने, मैं आपको ये थोड़ा सा ये जूम इन करके बता दूं, ये इसका नेकलाइन सपोर्ट बन गया है वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें। ये एक इसकी जो क्लोजिंग है, ठीक है, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूं। पिछहत्तर हजार पांच सौ तीन सौ, ये जाहिर सी बात है वीक पे ये आगे पीछे ये इतना फ्लक्चुएशन होता है। जैसे यहाँ पे भी देखें इसने ये वीक बनाए थे 75,000 74,500 का, ठीक है, 582 का, तो 400 500 600 ये जो है 75,000 का लेवल जो है 400 500 600 675 जो भी आप कह लें, तो ये एक लेवल जो है सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, नेक लाइन सपोर्ट है ये, ठीक है। तो इसके नीचे एक विक भी बनी थी 74,582 की, ये भी एक है लेवल है, ठीक है, लेकिन अभी इसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। मैं वीक ऑन, जब ये वीकली चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो वीक ऑन वीक बेसिस पे इसके ऊपर हो सकता है नीचे भी आए मार्केट, यहाँ पे भी आए, हो सकता है 73,000 भी आए, इवन यहाँ तक भी आ सकती है 72,400 ड्यूरिंग द वीक की बात बता रहा हूँ, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट इसके ऊपर परफॉर्म करनी चाहिए। इसके ऊपर अगर परफॉर्म करती है तो मजीद, जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते भी आपके साथ शेयर किया था लेवल 84,864, अब 84,800 समझ लें, 700 900 इस तरह 85,000 इवन, तो ये लेवल जो है रेजिस्टेंस लेवल होगा, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ब्रेक होता भी देख सकते हैं और यहाँ पे रिजेक्शन भी विटनेस की जा सकती है। लेकिन चूंकि मार्केट हाईली ओवरबॉट है और जिस तरह मैंने आपको बताया था बजट है और आपका ईद उल अजहा का सीजन है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इसका सेलिंग प्रेशर अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ना अपसाइड पे, क्योंकि इनडिसाइसिव का मतलब ये है कि अभी आगे बजट के लिए और सब मॉनेटरी पॉलिसी के लिए थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि काइबोर के रेट जिस तरह कम हुए और इन्फ्लेशन कम हो रहा है
तो आई थिंक लोग कह रहे 2% हो सकते हैं मे बी, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आईएमएफ का प्रेशर बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो वो तो कह रहे हैं कि आप जो है मेंटेन रखें 22% पे मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन मे भी हो सकता है कि अगर कम भी करना चाहें तो बिटवीन 50 to 100 basis point हो सकता है, अगर अगर कम होना भी हुआ 2% तक। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा कि 2% तक भी नीचे इसको डिक्रीज करेंगे नीचे। तो एक तो ये प्रेशर है, यही आपको जो है इंडिसाइसिव जो है डोजी पे जो बन रहा है इंडिसाइसिव, यही शो कर रहा है कि अब अपर साइड पे जो है बायर भी जरा कॉशियस हो गए और सेलर भी अभी इस वक्त जो है वो देख रहे हैं मार्केट को कि भाई अभी अगर और मजीद नीचे आएगी तो फिर और मजीद सेलिंग आएंगे। अभी यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा सेल कर रहे हैं, तो आप भी जो है प्रॉफिट टेकिंग करें, ऑब्वियसली हमेशा प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए। तो अब इस वक्त जो देखें यहाँ पे, तो इस वक्त इस लेवल पे 76,000 के लेवल तक तो प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। मैं ये वीक का आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डेली भी आपके साथ चले थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। डेली में देखें तो कल तो हमने यहाँ पे ये वॉल्यूम अच्छे बनते हुए देखें, अपर साइड पे 243 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट होता है एज कम्पेयर टू लास्ट, ये मतलब ये अगर जुम्मे वाला दिन है तो हम जुम्मेरात वाला दिन देखें तो 175 मिलियन का इसमें वॉल्यूम हमने देखा था। तो इससे ज्यादा अच्छे माशाल्लाह काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ डे ऑन डे की क्लोजिंग हुई है। तो इस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डे ऑन डे बेसिस पे तो मार्केट अपसाइड पे अभी इस वक्त मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी 75,800 पे क्लोज हुई है, तो अब डे ऑन डे बेसिस पे कहाँ तक जा सकती है ये हम जैसे मंथली के सीपीआर से ही ले लेते हैं। अब मंथली का सीपीआर लेवल देखें तो 77,500, 600, 700 ये एक लेवल नजर आ रहा है। तो डे ऑन डे बेसिस पे हम इसको रिटेस्ट होता हुआ दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी जो है वैसे तो देखें तो तकरीबन जो इसका मिडिल बैंड है 75,900, सॉरी इसको मैं हटा दूं, ये इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं, ये देखें 75,965 बनाया है। तो आप 76,000 समझ लें, ठीक है ना, 76,000 है, 75,800, 75,900। तो अभी इस वक्त जो क्लोजिंग हुई है तकरीबन 75,900 के करीब हुई, 878 का जो यहाँ पे लेवल आया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको, ये सीपीआर का अपर बैंड है तो इसको रिटेस्ट कर सकता है इंडेक्स जो है 77,600, 500, 700 यहाँ पे कोई विक भी बन सकती है अगर ये लेवल मेंटेन करता है, ठीक है। ये मंथ, अब ये मैं आपको डेली पे भी बता देता हूँ, चले डेली पे भी अगर ये 77,600 का लेवल मेंटेन करता है और सस्टेन करता है विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये हमेशा याद रखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो जितने भी डाइवर्जेंस आ रहे हो, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था डेली पे डाइवर्जेंस है, वीकली पे डाइवर्जेंस है, लेकिन जो स्पेशली पार्टिसिपेशन है इन बाइंग एफआईपीआई में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, वो इसको निगेट कर रही है। आपके पास पोर इन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पोर इन हो रही है और मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ मार्केट अपसाइड पे आपको मूवमेंट दिखा रही है। तो एक तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसका पिविटल रेजिस्टेंस है 84,800 के करीब, ठीक है। ये रेजिस्टेंस फिर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, लेकिन ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो ये लॉन्ग टर्म पे है, ठीक है। हो सकता है अभी भी हो जाए, हो सकता है बाद में हो, लेकिन लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं काम करता हूँ सिर्फ लेवल्स पे। अच्छा, लेवल्स पे ये होता है कि आपको आसानी होती है टू सेल एंड टू बाय, ठीक है। डे ऑन डे बेसिस पे भी आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बताते रहता हूँ, वीकली जो रैपअप मेरा जो है वो यूट्यूब पे समझे उसपे पर्टिकुलरली जो है वीक का जो मैं बताता हूँ सीपीआर लेवल, उसी के हिसाब से जो है वो मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रही है। और रेगुलरली जो आप देखेंगे मेरा वीक और वीकली रैपअप जो है वो अपलोड हो रहा होता है यूट्यूब पे, आप मेरी पिछली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि लेवल्स पे काम करें और मार्केट के साथ काम करें, मार्केट के अगेंस्ट कभी आप काम ना करें। अगर मार्केट नीचे आ रही हो, डाउन ट्रेंड में हो, तो कभी आप साइड को उम्मीद ना रखें, डाउन ट्रेंड पे जो है आप अपर साइड पे बे सेलिंग करें, जैसे हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी, इन अप ट्रेंड इज एनी डाउन साइड इज बाय अपॉर्चुनिटी। तो इस पे ही काम करें। तो मेरा मेरा जो है तरीका थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने पहले बताया था डिफरेंट है, मैं दूसरे लोगों की तरह मैं ये मतलब जज्बात में आके ये नहीं बोलता हूँ कि थोड़ा सा नीचे आ गई तो अब मार्केट जो है 55,000 आ जाएगी, 40,000 आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी तो मैं लेवल्स के साथ चल रहा हूँ, तो जो मैंने आपको बताया हुआ भी है, अगर आप जो वीडियो पूरी नहीं देख सकते जो जिनको सीखने का शौक नहीं है, तो हो सकता है, जरूरी नहीं है सबको सीखने का शौक हो, जिनको शौक है पूरी वीडियो देखें, जो नहीं वो सीपीआर का लेवल जो है
वो जरूर देख लिया करें वीडियो में, किस लेवल है इनके हिसाब से आप काम करें। डेली का अलग होता है, मंथली का अलग होता है, वीकली का अलग होता है सीपीआर। तो मैं मोस्टली वीकली शेयर करता हूँ, तो वीकली पे भी आप काम, जो ये डे ऑन डे बेसिस है वो वीकली वाला तकरीबन मिलते भी होते हैं, आप उसको डेली पे भी प्लॉट करके या उसको मेंशन जो मैंने किया है उसको आप जो है डेली पे भी इसको आप रख सकते हैं अपना रेजिस्टेंस या सपोर्ट। जैसे ये लोअर बैंड है इस वक्त 73,500 का है, तो आप इसको डेली पे भी रख सकते हैं, ठीक है। इस वक्त ये देखें इसका प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये लेवल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, मंथली पे भी वीकली पे भी दोनों पे। मैं आपके साथ वीकली पे भी शेयर कर लूँ ये, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना ये वाला लेवल, थोड़ा सा इसको ये वाला लेवल जो है 73,500 या 600 आ रहा है, तो इसको आप अगर इस प्राइस सेक्शन के हिसाब से ले लें 73,500, 600, 400 ये लेवल जो है ये एक स्ट्रॉन्ग प्राइस सेक्शन के हिसाब से। देखें यहाँ पे अभी देखें जो सिनेरियो करंट सिनेरियो नजर आ रहा है ना वो सेम यहाँ पर भी वही है कि देखें यहाँ पे ये यहाँ पे मार्केट इस वक्त जैसे डोजी बन रहा था यहाँ सेलिंग नजर आई, लेकिन एक बुलिश कैंडल ने इसको निगेट किया। अब वही पोजिशन अब ये इसी वीक में फिर शुरू हो गई है कि भाई यहाँ जो है लोअर साइड पे हम देख रहे हैं कि बायर एक्टिवेट है इस लेवल्स पे 74,700-74,600 पे, और यहाँ पे फिर 77,000-76,000 पे फिर ये सेलर जो है यहाँ पे एक्टिवेट है। अब यही दोबारा जो वीकली पे आप देख ले एक कैंडल बनेगी, बनती है बुलिश की, तो फिर अगेन हम इसमें अपसाइड देख सकते हैं। वीकली पे मैंने आपको बता दिया था कि अपसाइड आप कहां तक देख सकते हैं, ठीक है। मंथली पे भी मैं आपको बता दूं फिबोनाची अगर हम यहाँ पे रिट्रेस अगर करें, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दूं, ठीक है। हम यहाँ पे हम यहां से ले लेते हैं ये वाला, ठीक है ना, ये जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी इसकी रिजेक्शन आई थी यहाँ पे 53,000 के करीब, इसका हाई था उस वक्त 53,127 का, ठीक है। लेकिन यहाँ रिजेक्शन आई थी तो हम इसको नहीं लेंगे, इसकी कैंडल की जो क्लोजिंग है ये वाली जो बुलिश जिसकी रिजेक्शन आई थी जहाँ पे 1 मई का महीना था 2017 का, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे ये यहाँ अपर साइड का ये प्लॉट कर लेंगे, फिर इसके बाद इसे लोअर साइड दिखाया, ये जो बुलिश कैंडल है यहाँ पे, वैसे तो उसने दिखाया था यहाँ पे ये जो लोअर साइड है इसका, ये तकरीबन दिखाया था 27,000 का लेवल इसने लो किया था। तो हम इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग आई थी 29,231 ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है, इसकी क्लोजिंग को ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे तो आपको लेवल समझ में आ जाएंगे आगे जाके, ठीक है। ये देखें अब ये देखें आपको समझ में आ जाएगा कि यहां से फिर ये मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड परफॉर्म किया, ठीक है। लेकिन जो इसका जो हाईएस्ट लेवल था उसको इसने रिटेस्ट नहीं किया कभी भी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आई थी तो मार्केट 48,000 के करीब आई थी, 48,400, वहां पर रिजेक्शन हुई, फिर मार्केट ने फिर अपना लोअर जो बनाया वो लोअर साइड जो है वो तकरीबन 38,135 का बनाया था, ठीक है, ये लोअर साइड था इसका। अच्छा फिबोनाची के हिसाब से हम अगर देखें, हम रिजेक्शन हटा के बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये विक हम सारी हटा रहे हैं, ठीक है, ताकि नॉइस क्लियर हो जाए। तो ये पे यहाँ पे जो बॉडी जो बन रही है इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग, ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी क्लोजिंग ली, दोनों की बल्कि हमने क्लोजिंग ली है, यहाँ की भी क्लोजिंग ले ली बुलिश कैंडल की और इसकी भी हमने क्लोजिंग ले ली एक बेरिश कैंडल की जो बनी थी, ठीक है। बाद में फिर ये बुलिश कैंडल बनी, अब आप देख लें आपको क्लियर नजर आएगा कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती रही तकरीबन एक साल तक, ठीक है, बिटवीन 43,300-43,400 यहाँ पे जो है रिजेक्शन आती रही और यहाँ पे जो है मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट करती रही या समझे एक्यूमुलेट करती रही 39,800-39,900-39,700 ये लेवल जो है यहाँ पे ये मार्केट कंसोलिडेट करती रही और फिर इसका ब्रेकआउट मिला ये जुलाई में मिला, जुलाई के महीने में 2023 में, ठीक है, ये इसका एक ब्रेकआउट हुआ एक बुलिश कैंडल के साथ। फिर अगेन मार्केट वही जो इसका लेवल था 48,000 यहाँ पे रिजेक्शन थोड़ा सा लिया उसने और फिर अब आप देखें 0.0786 ये इसका जो है सपोर्ट लेवल बन गया था, नीचे आई मार्केट लेकिन एक डोजी फॉर्म हुआ, फिर अगेन इसका ब्रेकआउट मिला और ये जो मंथ का जो था रिजेक्शन एरिया वो उसको क्रॉस किया, 50,500 जो था इसको क्रॉस किया। फिर इसके बाद अगर हम देखें ऊपर साइड पे तो यहाँ पे मार्केट इसका अच्छा लेवल यहाँ पे इसने बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर लूँ ये वाला लेवल, ठीक है। अब ये जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन गया 63,500 का, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे रिजेक्शन आती रही क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ क्लोजिंग आई 1 फरवरी के महीने 2024 में, फिर मार्केट अभी अपसाइड मूवमेंट यहाँ से दिखा रही है,
अब आप देखें सिंक्रोनाइजेशन देखें यहाँ पे, ठीक है, ये तो उसका गोल्डन रेशियो हो गया 63,600 का जो ब्रेक हो चुका है। अब आप देखें, जैसे मैंने पहले भी वीकली पे भी प्लॉट किया था और अभी मंथली पे भी प्लॉट किया, तो देखें इसकी सिंक्रोनाइजेशन देखें, ये मैंने पहले ही लगा दिया था, लेकिन यहाँ पे देखें एग्जैक्टली ये लेवल आ रहा है 84,900, 800, 700, ये लेवल जो आ रहा है, ये यहाँ पे हम रिजेक्शन फिर हम दोबारा देख सकते हैं, और इसके ब्रेकआउट होगा तो फिर अगेन मार्केट जो है वही करेक्शन करती हुई दूसरा लेवल जो होगा 1,06,000 का, मैं चले अभी लगा देता हूँ, लेकिन अभी बहुत दूर है। मैं वही कहना, अभी इतनी लोअर साइड पे भी जब मार्केट बहुत तेज जा रही हो तो हायर साइड पे भी इतना जज्बाती न हो जाए कि आप 1-1 लाख और 1-1.5 लाख के लेवल देने लगे। जिस तरह अगर थोड़ी सी मार्केट नीचे आती है 10% गया, तो फिर अब जो है मुझे भी एक्चुअली होता है कि चलो मार्केट नीचे आ रही हो सकता हो नीचे, लेकिन मेरे लेवल डिफरेंट होते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। लोग छलांग मार के फौरन नीचे आ जाते हैं दूसरे लोग, सही बात है, उनका कोई अपना एनालिसिस होगा, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं इस तरह करता हूँ। तो इसी तरह मेरे ख्याल से गाइड करना चाहिए कि एकदम से अगर मार्केट नीचे अभी 2-3% या 4% या 6% भी नीचे मार्केट आए तो आप एकदम से 40,000-50,000 का लेवल बताना शुरू कर दें, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली हार्ड अर्न मनी होती है, इन्वेस्टमेंट लगी होती है, वो उनको धचका ना लगे या वो अच्छा इतनी नीचे आ जाएगी तो वो लॉस में जो है ना अपना सिक्योरिटी जो सेल कर देते, ऐसा ना हो। मैं आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, आप जो मैं आपको सीपीआर लेवल बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप चलें, अपर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें, अगर प्रॉफिट टेकिंग अब आपको लग रहा है ज्यादा ऊपर है तो स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड करते हुए चलें। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो रोज स्क्रीन पे नहीं बैठते हैं, वो स्टॉप लॉस लगा के जरूर काम करें, तो इससे आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कम हो जाता है। आप खुद ही डिसाइड कर लें कि 2%, 3% रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये है कि आप कितना लॉस बर्दाश्त करते हैं। अगर आपने कोई हायर साइड पे बाय कर लिया गलती से और आपको लग रहा है वो अब ये स्टॉक नीचे आ जाएगा ज्यादा, तो आप 2% जितना लॉस बर्दाश्त करते हैं उसका 2% आप ले लें और उसको स्टॉप लॉस लगा के आप रख दें, ठीक है। तो अब ये देखें ये लेवल जो है, मैं ये फिबोनाची के हिसाब से बता रहा हूँ, ये हायर टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, एक ही लेवल है, इसको मैं रेड कलर देता हूँ। फिर अगला रेजिस्टेंस लेवल 1,06,118 का होगा। अब इसमें जैसे जैसे मैंने बताया ना वीक बनती है तो यहाँ पर नॉइज आ सकता है, 1 लाख से ऊपर भी या 1 से नीचे भी फिर वीक बन सकती है, इसके ऊपर भी वीक बन सकती है, तो ये एरिया है। इसी तरह इस पे भी ऐसा ही है 84,000 जो मैंने बताया आपको, 900, 800, 700 देखे, इसके नीचे भी कोई वीक बन सकती है, रिजेक्शन आ सकती है, फिर नीचे आएगी, तो ये लेवल रेजिस्टेंस है, ये रिटेस्ट आने वाले दिनों में हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।